नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में ऑटो रिक्शा यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। बुधवार को कलेक्टरेट पर ऑटो रिक्शा यूनियन के संयोजक किशन लाल सिंह ने अपने साथियों के साथ प्रदर्शन कर एक शिकायती पत्र DM को दिया, जिसमें बताया गया कि महानगर में 0 से 16 किलोमीटर त्रिज्या के परमिट राम ऑटो रिक्शा संचालित है और नगरीय केंद्र के ऑटो रिक्शाओं का संचालन बार बार रूट और जॉन के नाम पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो ऑटो रिक्शा परमिट के नियम के विरुद्ध है। सभी ऑटो रिक्शा परमिट धारक न्याय की गुहार लगाते हैं और मांग करते हैं कि महानगर में बिना जॉन और बिना रूट परमिट अनुसार ही ऑटो रिक्शा संचालन किया जाए। सिटी बस के संचालन और ई रिक्शा के लगातार पंजीकरण होने से ऑटो रिक्शा के संचालन और आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है और फाइनेंस की किस्से तक जमा नहीं हो पा रही है। इस दौरान शरीफ आलम, महेश शर्मा, शुभम अग्रवाल, पंकज सिंह ठाकुर, राकेश कुमार, फरहत अली आदि लोग उपस्थित रहे। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जॉन व्यवस्था खत्म करो, जॉन व्यवस्था खत्म करो, जॉन व्यवस्था खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो 16 किलोमीटर के त्रिज्या में ऑटो रिक्शा का संचालन किया जाना चाहिए, लेकिन मुरादाबाद बहुत छोटी सी दूरी में रहने के बाद में भी उसके 4 जोन बना दिए, 4 जोन में भी अभी काम नहीं बना, तो अब फिर से जो है ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन इतनी संख्या में हो गया है कि उनका संख्या का निर्धारण ही नहीं, तो संख्या निर्धारण उसका होना चाहिए और ऑटो रिक्शा का जो परमिट है उसी के अनुसार संचालन होना चाहिए। यदि ऐसा अब 3 दिन में नहीं होगा, क्योंकि कन्वीनर साहब, DM साहब और जो एक मीटिंग। मेरा नाम किशन लाल सिंह है। किशन लाल जी, आज इतने सारे ऑटो चालक आपके साथ आए जिला कलेक्ट्रेट पर, किन मांगों को लेकर आए? मुरादाबाद महानगर में वर्ष 2010 से ऑटो रिक्शा परमिट बंद है और कुल 1700 ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त हैं। जो नियम परमिट में दिए गए हैं हम उसी के अनुसार संचालन करते हैं, लेकिन अभी यहां पर जॉन व्यवस्था लगा करके उस परमिट के नियम को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। छोटा शहर है, 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। हमारा मुख्य रूप से इस जॉन व्यवस्था का विरोध है। RTA की बैठक में यह तय हो गया था कि जॉन व्यवस्था नहीं चलाई जाएगी और परमिट में जो नियम लिखे हैं उसके अनुसार संचालन करने दिया जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले से ट्रैफिक पुलिस ने फिर चालान शुरू कर दिए हैं और जॉन व्यवस्था लागू करने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिसमें नगर आयुक्त और SP ट्रैफिक महोदय पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे मजदूरों का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। तो आज हम उस मांग को लेकर के आए हैं कि यदि 3 दिन परेशानी आ रही है जॉन व्यवस्था को, जॉन व्यवस्था में जो 16 किलोमीटर की त्रिज्या की एक दूरी तय है परमिट में, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया है और वो कुछ समय के लिए तो हो सकता है, SSP महोदय, नगर आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को ये दी गई है व्यवस्था कि अगर परेशानी होती है तो डाइवर्ट करने का या कुछ रूट में थोड़ा बदला अदला बदली करने का, लेकिन लगातार 7 साल से हो ये गलत है। मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो क्या? 3 दिन के बाद हम संचालन रोक करके ऑटो रिक्शा खड़ा कर देंगे और परमिट खड़ा कर देंगे। परमिट हमारा पहले आया है, आपके ई रिक्शा और सिटी बस और तमाम सारी चीज़ें बाद में आई हैं, तो अब अगर नहीं करना है तो सारे परमिट सरेंडर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें।